हेलो एवरीवन, आज हम एक एक सेंटेंस के एक एक वर्ड की फुल ट्रांसलेशन सीखेंगे। जो भी स्ट्रक्चर यूज हुआ है, जो भी टेंस यूज हुआ है, मैं आपको साथ ही साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला सेंटेंस है, जब मैं घर आया शिखा रो रही थी। वेन आई केम होम शिखा वॉज क्राइंग। यहाँ वेन का मतलब है जब। जब हम सवाल पूछते हैं तो वेन का मतलब होता है कब, जैसे वेन आर यू कमिंग, आप कब आ रहे हो। वेन डू यू गो टू वर्क, आप काम पर कब जाते हो। लेकिन यहाँ हम कुछ पूछ नहीं रहे बल्कि बता रहे हैं कि जब मैं घर आया तब शिखा रो रही थी। कम की सेकेंड फॉर्म केम का यूज हुआ है क्योंकि बात पास्ट की हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस, जब वो 20 साल की थी उसकी शादी हो गई। वेन शी वॉज 20 शी गॉट मैरिड। होने के सेंस में हम गेट का यूज करते हैं, जैसे आई गॉट कोल्ड, मुझे जुकाम हो गया। शी गॉट इल, वह बीमार हो गई। गेट की सेकेंड फॉर्म है गॉट, क्योंकि बात पास्ट की है, जब उसकी शादी हो गई, शी गॉट मैरिड। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुम्हें कॉल करूंगा जब हम जाएंगे। आई कॉल यू वेन वी गो। ये कंडीशनल टाइप 1 का सेंटेंस है। इसमें सेकेंड सेंटेंस जो है वो एक कंडीशन है कि जब हम जाएंगे तब मैं तुम्हें कॉल करूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों में विल का यूज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कंडीशनल टाइप 1 में क्या होता है कि जो कंडीशनल वाला सेंटेंस होता है उसमें हम प्रेजेंट इनडेफिनेट में बनाते हैं, और जो रिजल्ट होता है उसे हम फ्यूचर इनडेफिनेट में बनाते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि सेकेंड सेंटेंस में विल का यूज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये कंडीशनल टाइप 1 का सेंटेंस है। इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं कि पीछे वाला सेंटेंस आगे और आगे वाला सेंटेंस पीछे कर सकते हैं, जैसे वेन वी गो आई कॉल यू, या फिर आई कॉल यू वेन वी गो। नेक्स्ट सेंटेंस, काजल उससे कब मिलेगी। ये फ्यूचर इनडेफिनेट का सेंटेंस है, जैसे वेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। वेन विल यू टेक अ शावर, तुम कब नहाओगे। ऐसे ही वेन विल काजल मीट हिम, काजल उससे कब मिलेगी। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम कब सोए। ये पास्ट इनडेफिनेट का सेंटेंस है। जब हम किसी से पूछना हो कि पास्ट में कोई आपने काम कब किया, तो हम डिड से सवाल पूछेंगे, जैसे वेन डिड यू गो टू मार्केट, आप बाजार कब गए। वेन डिड यू कॉल मी, आपने मुझे फोन कब किया। ऐसे ही हमें पूछना है तुम कब सोए, वेन डिड यू स्लीप। नेक्स्ट सेंटेंस, पायल कहाँ थी जब उसके पेरेंट्स आए। ये एक सिंपल सेंटेंस है कि पायल कहाँ थी, वेयर वॉज पायल। जब उसकी पेरेंट्स आई, वेन हर पेरेंट्स टर्नड अप। टर्न अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है आना। वैसे तो हम आना के लिए अराइव का यूज भी कर सकते हैं, पर अपनी इंग्लिश को एडवांस लेवल की बनाने के लिए फ्रेजल वर्ब का यूज किया जाता है। यहाँ टर्न की सेकेंड फॉर्म टर्नड का यूज हुआ है, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है कि जब उसके पेरेंट्स आए तब पायल कहाँ थी, वेयर वॉज पायल वेन हर पेरेंट्स टर्नड अप। इफ यू फाइंड माई वीडियो वैल्यूएबल, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।